हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सव्यसाची क्लासेस। टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टडी सेजस क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल एंड इट्स एक्सरसाइज 3.1 एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो वी हैव सॉल्व टिल क्वेश्चन 5 एंड टूडे वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन 6। अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसको वॉच कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो क्वेश्चन 6 इज ए ट्राई एंगल हैज टू साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ इफ द एंगल्स ऑपोजिट ऑफ देम आर 30 डिग्री, देन डिटरमाइन द थर्ड एंगल। एक ट्राई एंगल है जिसके दो इक्वल साइड्स हैं, मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्राई एंगल है और ये जो साइड्स हैं इनके ऑपोजिट एंगल्स 30-30 डिग्री के हैं, तो हमको थर्ड एंगल डिटरमाइन करना है। वी नो दैट ट्राई एंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, सो वी कैन राइट हियर सपोज थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राई एंगल आर एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली, सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पे किसी भी दो एंगल्स के वैल्यू में 30-30 डिग्री रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वल साइड्स हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सो एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 30 और 30 ऐड होकर 60 हो जाएगा, सो एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 60 डिग्री को राइट साइड लेके जाते हैं तो वो 180 के साथ में माइनस में हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड होगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एन आइसोसेलिस ट्राई एंगल इफ द एंगल एट द वर्टेक्स इज 70 डिग्री, देन डिटरमाइन द अदर टू एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स। एक आइसोसेलिस ट्राई एंगल है, उसमें जो वर्टेक्स एंगल है उसका वैल्यू दिया है 70 डिग्री, तो हमको जो दो इक्वल साइड्स हैं उनके दो ऑपोजिट एंगल्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो वी नो दैट आइसोसेलिस ट्राई एंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और उनके जो दो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, एंड हियर वर्टेक्स एंगल इज गिवन 70 डिग्री। सपोज टू ऑपोजिट एंगल्स आर एक्स एंड एक्स। अब यहाँ पे मैं दोनों एंगल्स का नेम एक्स और एक्स इसलिए लिखा हूँ क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है, सो एक्स प्लस एक्स प्लस वर्टेक्स एंगल का वैल्यू दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्स एड होकर 2x हो जाएंगे, सो 2x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इस 70 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और 180 डिग्री में 70 डिग्री को माइनस करेंगे तो ये हमको फाइंड होगा 110 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब ये जो 2 है वो x के साथ में मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 110 के साथ में डिवाइड में हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 2। और अब 2 से इस 110 को डिवाइड करेंगे तो इसका एक्स का वैल्यू हमको फाइंड होगा 55 डिग्री, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग ऑपोजिट एंगल्स थे उनका वैल्यू 55 डिग्री और 55 डिग्री फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज ट्राई एंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्राई एंगल With C is equal to 90 degree and CA is equal to CB, determine X. ये जो ट्राइंगल ए बी सी दिख रहा है ये एक राइट एंगल्ड ट्राई एंगल है और यहाँ पे जो एंगल C है वो 90 डिग्री है और साइड CA और साइड CB इक्वल है, तो हमको X का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे साइड CA और CB का वैल्यू इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, सो वी कैन राइट हियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड सी ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड सी बी इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे सी ए और सी बी इक्वल है तो इसका वैल्यू भी ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, एंड एंगल सी का वैल्यू दिया है 90 डिग्री, सो वी कैन राइट हियर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू भी यहाँ पे एक्स डिग्री रहेगा, बी का वैल्यू भी एक्स डिग्री रहेगा और सी के प्लेस में 90 डिग्री, सो एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एक्स ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 2x
सो 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 को राइट साइड लेके जाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और 180 में 90 माइनस होगा तो ये हमको फाइंड होगा 90 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 90 अपॉन 2, देन x का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9 इज इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड इफ एंगल बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए देन डिटरमाइन ऑल थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी सी, इसमें साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है, और अगर एंगल बी ट्वाइस है एंगल ए के, मतलब एंगल बी दुगना है एंगल ए के, तो हमको तीनों एंगल्स का एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी राइट हियर ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर आपको ऑपोजिट एंगल पहचानना नहीं आता है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है, उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि ऑपोजिट एंगल कैसे पहचानते हैं। एंड ऑपोजिट एंगल ऑफ साइड ए सी इज इक्वल टू एंगल बी। अब यहाँ पे साइड ए बी और साइड ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे, सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल बी इज इक्वल टू 2a, क्योंकि एंगल बी एंगल ए के दोगुना या ट्वाइस है, सो एंगल बी इज इक्वल टू 2a, एंड वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा। बी के लिए लिख लेते हैं 2a, क्योंकि बी का वैल्यू 2a है। अब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल सी के लिए भी 2a हो जाएगा, सो एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लेते हैं तो 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 5a के साथ में मल्टीप्लाई में है, उसको राइट साइड लेके जाते हैं तो 180 के साथ में डिवाइड में हो जाएगा, सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 अपॉन 5। अब 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, सो 5 3 जा 15, 3 इज लेफ्ट एंड इट विल बी 30 एंड 5 6 जा 30, तो एंगल ए का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा 36 डिग्री। अब एंगल ए का वैल्यू हमको फाइंड हो गया, एंगल बी और एंगल सी तो इक्वल रहेंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36, तो ये हो जाएगा 36 टू जा 72, तो एंगल बी का वैल्यू मिल गया 72, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है तो एंगल सी का वैल्यू भी 72 डिग्री फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन फिगर ट्राई एंगल पी क्यू आर इज गिवन विथ इट्स थ्री एंगल्स, विच आर द टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्राई एंगल, नेम द लार्जेस्ट साइड। ये जो फिगर है उसमें हमको ट्राई एंगल पी क्यू आर दिख रहा है, इसमें थ्री एंगल्स हैं और तीनों एंगल्स का वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसमें हमको कौन से दो इक्वल साइड्स हैं वो फाइंड करना है और सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सा है वो भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमको एंगल्स का वैल्यू दिया है तो हम इसके ऑपोजिट साइड्स लिखेंगे, सो फर्स्ट वी राइट हियर ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल पी। सो एंगल पी का ऑपोजिट साइड हो जाएगा जो इसमें लेटर्स बच रहे हैं क्यू आर, तो क्यू आर, एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल आर, तो इसमें लेटर्स बच रहा है पी और क्यू, सो पी क्यू। अब यहाँ पे एंगल पी और एंगल आर का वैल्यू इक्वल दिया है 43 डिग्री, तो इनके जो ऑपोजिट साइड्स हमने फाइंड किया है वो दोनों भी इक्वल होंगे, सो क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये इनके इक्वल साइड्स हो जाएंगे। अब हमको लार्जेस्ट साइड फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल में जो एंगल सबसे लार्जेस्ट होता है उसका ऑपोजिट साइड ही सबसे लार्जेस्ट होगा, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट एंगल है एंगल क्यू जो 94 डिग्री दिया है, तो इसके ऑपोजिट साइड्स लिख लेते हैं, सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो यहाँ पे हमको लार्जेस्ट साइड फाइंड हो गया पी आर। क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर इन द रेशियो 2:3:4 फाइंड ऑल इट्स थ्री एंगल्स। अगर किसी ट्राई एंगल्स के थ्री एंगल्स हैं उनमें रेशियो दिया है 2:3:4,
तो हमको तीनों एंगल्स का एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी राइट हियर थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राई एंगल आर 2x, 3x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, एंड वी नो दैट 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इनको ऐड कर लेते हैं, सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x एंड 5x में 4x ऐड करेंगे तो ये होगा 9x, सो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x के साथ में 9 मल्टीप्लाई में है, इसको राइट साइड लेके जाते हैं, ये डिवाइड में हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 9 एंड 9 टू ज 18 एंड 9 जीरो ज 0, तो x का वैल्यू हमको मिल गया 20 डिग्री। अब तीनों एंगल्स का एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सो फर्स्ट एंगल इज 2x, सो 2 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 3x, सो 3 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड थर्ड एंगल इज 4x, सो 4 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का वैल्यू हमको फाइंड हो गया 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। सो एक्सरसाइज 3.1 इज कंप्लीटेड। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2, एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी इंपॉर्टेंट क्लास।